पूरा क्या मामला था, किस तरह पैसे आपसे मांगे, किस बात के मांगे? हमारी सी एज ऑडिट चल रही थी 2016-17 और 2017-18 की, दो साल का ऑडिट था। मैं करता हूँ 5 मिनट। ये लोग सोमवार से आए थे और 21 तारीख तक इनका ऑडिट होना था यहाँ पे। तो सोमवार को आए तो पहले दिनों में फोन पे कह दिया था कि यार आप हमारी सेवा, हमारा ख्याल रखना, देखते हैं खाना पीना वगैरह तो खिलाते हैं। फिर ये बोले कल परसों कहने लगे कि मैम कैसे चाहिए साहब, रमेश चौरसिया जी। तो मैंने कहा सर देखो आज तक हम ईमानदार अधिकारी, हमने के पैसे भी नहीं लिए, दे भी नहीं सकते सर। बोला यार इसमें हम क्या कर सकते, तुम नहीं लेते हो तो तुम्हारी कमजोरी है। बोला फिर उसके बाद बोले कि साहब ऐसा है, पहले 2 लाख की बात ही भी दी थी, कल ये मेरे 1 लाख पे आ गए थे कि साहब 1 लाख तो आप कम से कम देना ही पड़ेगा। मैंने फिर कल वो CBI से शिकायत की, जयपुर में सर मेरे से पैसे की डिमांड की जा रही है। तो फिर CBI वाले बोले कि हम सत्यापन करते हैं। फिर आज सुबह 9:30 बजे उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि भाई अब जाके बात करिए कि वास्तव में आपसे पैसे मांग भी रहे हैं नहीं मांग रहे हैं। मैंने कहा ठीक है सर, मैं दोबारा से उनके हिसाब से उनकी जो भी है एस्टिमेट लेके गया और मैंने इनसे कहा कि सर ऐसा है कि आप बताओ। ये बोले कि हाँ 1 लाख से तो कम नहीं होगा, 1 लाख देने पड़ेंगे आपको, 50 हमारे सीनियर के और 50 मेरे। मैंने कहा ठीक है सर। उसके बाद ये बोला कि मेरे पास उस टाइम 10,000 रुपये थे। मैंने कहा सर 10,000 रुपये आप ले लो। कहता 10 नहीं लूँगा आप, 50 कम से कम आज आ तो 50 दे दो, बाकी बाद में दे देना। फिर मैंने कहा जितना बनता मैं लेके आता हूँ। उसके बाद में मैं पैसे निकाले 20,000 रुपये और CBI के ऑफिस में गया उनके पास जहाँ पहले आए हुए थे बैठे थे। सत्यापन शिकायत किया उन्होंने, सत्यापन किया, उसके बाद में देखा कि हाँ वास्तव में मांग रहा है। उसके बाद पैसों में जो भी इनकी फॉर्मेलिटीज पूरी की और उसके बाद में इन्होंने कहा कि चलो आप पैसे दे के आइए उनको। तो जब मैं इनको पैसे देने गया तो ये बाहर थे, बोले कि अंदर चलो रूम में जाके लेते हैं पैसे। रूम के बाद में बोले कि ठीक है ये हमारा बैग है यहाँ पर, मेरे को पैसे दे दो। इन्होंने अपने पैसे रख लिए। उसके बाद मैंने बाहर बोल दिया कि सब पैसे तो ले लिए उन्होंने। किस बात के मांगे थे? CAG ऑडिट वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 की ऑडिट चल रही है भारतीय खाद्य निगम। ऑडिट में क्या ठीक करना था इनको? ऑडिट्स में जो पहरे वगैरह हैं इस टाइप के, जैसे ऑडिट पहरे कोई कमियां पाई जाती है तो उनके थ्रू किया जाता है। तो कहा कि कोई कमियां तो कुछ भी नहीं थी, पर फिर भी बोला कि मैं तो कहीं कमियां निकाल ही दूंगा आपकी। ये सर कोई ऐसी कमी नहीं, हमने कोई ऐसा कुछ नहीं किया। पता फिर भी परेशान, रोज परेशान कर रहा था 5 दिन से लगातार। कितने दिन हो गए इनको? सोमवार से आएंगे। आपका क्या नाम है, आप किस पद पर हो? रामजीलाल मीणा, मैनेजर अकाउंट, और इस टाइम ऑडिट का चार्ज देख रहा हूँ यहाँ पे।